अब रैपिड को रिप्लेस करने वाली है ये है स्लाविया द मेकर सेडान फ्रॉम द जेक कार मेकर। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, हम बताएंगे सब कुछ ऑन दिस गॉर्जियस ट्रिकिंग लुकिंग आई डोंट नो इट इज एन आई कैंडी ऑफ अ सेडान। देखते रहिए। स्लाविया बिकम्स द थर्ड कार बेस्ड टू बी बिल्ट ऑन द फॉर इंडिया प्लेटफॉर्म फ्रॉम द स्कोडा वोक्सवैगन फैमिली। जो MQB प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली उसको रिवाइज किया है, अपडेट किया हुआ है, ये यूज़ करता है। इसके पहले यू हैव द स्कोडा कुशाक एंड यू हैव द टाइगून फ्रॉम वोक्सवैगन। वोक्सवैगन की जो सेडान आएगी वेरी सून दैट विल ऑल्सो यूज द सेम प्लेटफॉर्म। बट फॉर नाउ लेट मी टेल यू कि इसका फेस कैसा है, इसका फ्रंट लुक कैसा है। अगर फेस की बात करें तो यू गेट दिस नाइस बटरफ्लाई जो लुक वाला जो ग्रिल है, जो स्कोडा का टिपिकल फैमिली ग्रिल है, वो आपको मिल जाता है। यू गेट वेरी नाइस क्रोम एलिमेंट, क्रिस्टलाइन का जो इफेक्ट है, जो यू नो शार्प लाइंस है वो फ्लो करता है। टिपिकल स्कोडा का जो लुक है वो बरकरार है। यू गेट दिस नाइस शार्प लाइंस ओवर हियर, एक वाइड एडर मिल जाता है, शार्प बम्पर मिल जाता है। यू हैव दिस टिपिकल स्कोडा वाला एक कैरेक्टर लाइन दैट फ्लोज अलॉन्ग द लोगो ऑन द फेस। वेरी क्लासी लुकिंग हेडलाइट की बात करें तो यू गेट दिस प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, अगेन यू हैव दिस नाइस नीट DRL ओवर हियर। सब कुछ काफ़ी टेस्टफुली किया हुआ है। अगर बात करें तो यू गेट दिस वेरी नाइस एंगुलर वाला जो इंसर्ट है वो मिलता है द टॉप इन क्रोम। आपको एक बड़ा सा एक राउंड फॉग लैंप मिल जाता है, वेरी वेरी प्लीजिंग। अगर आप फ्रंट से देखें कार लुक वेरी अपीलिंग, स्पेशली ये जो इसका फायरी रेड कलर है, जो स्पोर्टी रेसर रेड कलर है, ये काफ़ी उठ के आ रहा है स्पेशली इन द सनलाइट। आइए साइड चेकआउट करते हैं। साइड्स की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन इफेक्ट है, जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बरकरार है लाइक द फ्रंट। यू गेट दिस नाइस फ्लोइंग लाइन, ये फ्लोइंग लाइन है, ये काफ़ी अलग है, हटके है, एक फ्लो करते हैं अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कार। काफ़ी टेस्टफुली डन है। क्रोम के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। यू गेट दिस नाइस इंसर्ट बैजिंग ऑफ स्कोडा ओवर हियर, ये आपने देखा था ऑन द कुशाक ऑल्सो। क्रोम का बेल्ट लाइन है अलॉन्ग द ग्लास एरिया, ब्लैक्ड आउट आपको यहाँ पे फ्रेम मिल जाता है। द साइड प्रोफाइल लुक वेरी क्लासी, स्पेशली ये आपको रिमाइंड करेगा ऑफ द जर्मन कार्स। ये जो पिंक है, द पिंक अराउंड द क्वार्टर ग्लास लुक वेरी क्लासी। डोर हैंडल का तो क्रोम मिल जाता है। R16 के आपको टायर मिलेंगे यहाँ पे, मल्टी स्पोक अलॉयज है। जरा देखिए साइड से ये गाड़ी कितनी क्लासी लग रही है, कितनी ट्रेंडी लग रही है। अगर रूफ की बात करें तो आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है। यू गेट दिस नाइस लुकिंग शार्क फिन एंटेना, एक ब्लैक में है, बॉडी कलर में ही तो ग्लॉसी ब्लैक ये स्पोर्टीनेस को एनहांस करता है। लेट्स चेक आउट द रेयर प्रोफाइल। आपको स्लाविया में दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें डीजल ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे जो टर्बो पेट्रोल इंजन है, दोनों इंजन, वो इसको अपर हैंड देता है स्लाविया को। चेक आउट द रेयर प्रोफाइल ऑफ द स्लाविया लाइक द फ्रंट एंड द साइड्स। इसका जो रेयर है, इसका जो टेल एंड है वो भी काफ़ी क्लासी है। क्रिस्टलाइन का जो इफेक्ट है, जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो लाइन है वो फ्लो कर रहे हैं इसके बूट लिड में। इसका जो रेयर सेक्शन है, इसका टेल लैम्प है, LED टेल लैम्प है ऑफकोर्स, ये फ्लो करता है इनटू द टेल गेट में, ये एक्सटेंड होता है बोथ साइड्स। स्कोडा का एक गोल्ड बैजिंग है क्रोम में। आपको स्लाविया, ये नाम थोड़ा एक यूनिक सा नाम है, बट इट विल गेट यूज टू इट। उसका बैजिंग आपको यहाँ मिल जाता है। आपको बम्पर में क्रोम एलिमेंट मिल जाता है। दिस अगेन मेक्स द व्हीकल लुक क्वाइट ब्रॉड, ये एक्स्ट्रा ब्रॉड कर देता है व्हीकल को। ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, अगेन लाइक द फ्रंट। ग्लास का जो एरिया है, जो रेयर ग्लास है, वो काफ़ी एंगुलरली प्लेस्ड है। ये प्रोफाइल इज ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। आप देखिए इस साइड से कार लुक्स अ टिपिकल यू नो जर्मन, ये मुझे याद दिलाता है ऑफ द स्कोडा ऑक्टाविया। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द मर्सिडीज, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द ऑडीज, इट रिमाइंड्स मी ऑफ यू नो मेनी जर्मन कार्स। टिपिकल स्कोडा का स्टाइलिंग है, टिपिकल जर्मन स्टाइलिंग है इस गाड़ी में। स्कोडाज आर नोन फॉर देयर बूट कैपेसिटी, 521 लीटर्स का बूट एरिया है इसमें। देखिए इसमें ऑलरेडी इन्होंने तीन बैग्स लोड करी है, ये वन हो गया, ये टू, तो काफ़ी सारा बूट कैपेसिटी है। 521 लीटर्स इज द बूट कैपेसिटी। तो हाउ डू आई लुक विद दीज बैग्स। लेट्स चेक आउट द रेयर सीट्स ऑन द स्लाविया। डोर्स काफ़ी वाइड ओपन हो रहे हैं, स्टेपिंग इन इज ऑल्सो ईजी। साइड द स्लाविया, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा मोबाइल होल्डर मिल रहा है, दिख रहा है, वो विल हियर, आई एम ऑल सेट। आपको फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं फॉर योर कंफर्ट।
रेयर एसी वेंट्स हैं, जैसे बताया आपको दो यूएसबी पोर्ट हैं, यहाँ पे मैप पॉकेट्स हैं, अगेन वन मोर मोबाइल होल्डर ओवर हियर, ये आपका फोल्डेबल आर्मरेस्ट है, इसमें बॉटल होल्डर्स हैं, फील्स प्रीटी कंफर्टेबल। इसका जो सीटिंग एंगल है, इसका जो सीटिंग पोजीशन है, यू हैव दिस नाइस बकेट वाला एक यू नो क्रीज्ड आउट वाला एक इफेक्ट है, एक डिज़ाइन है, पैडिंग है, तो ये आपके बैक को यू नो परफेक्टली हक कर रहा है, इट इज़ यू नो इट इज़ कीपिंग मी इन प्लेस। तो यू नो इफ द कार इज ऑन हाईवे, फास्ट रोड्स या फिर ख़राब रास्ते हैं, तो इट इज़ कीप मी इन प्लेस, कम्फर्ट लेवल को भी ये एनहांस करता है। सीटिंग का जो एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आई थिंक आई जस्ट ओपन दिस, पुट माई मोबाइल हियर, गेट माई सेल्फ कम्फर्टेबल एंड गो टू स्लीप। लेग रूम काफ़ी अच्छा है, आई एम 5'6" 5'7", सीट इज़ एज पर माई हाइट, जो आगे का सीट है, आई कैन स्ट्रेच माई लेग एंड आई कैन गो इन टू स्लम्बर। जितनी क्लासी स्लाविया की एक्सटीरियर है, उतनी ही क्लासी इंटीरियर है कि लेट अस चेक इट आउट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका जो टिपिकल यूरोपियन जो जर्मन लुक है बाहर, वो अंदर भी बरकरार है, काफ़ी प्रीमियम सा इंटीरियर दिया हुआ है स्लाविया को। यू गेट द डैशबोर्ड, ये यू नो इट कम्स इन 1 stage, 2 stage, 3 stage, 4 stage, ये 4 stage में फ्लो करता है। यू गेट द ब्लैक पार्ट, यू गेट दिस नाइस यू नो गोल्डन जो आयोडोनाइज कलर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक फिनिश मिल जाता है मेटल वाला गोल्ड फिनिश। यू गेट दिस ग्लॉसी ब्लैक ओवर हियर, यहाँ पे अगेन यू गेट दिस बेज कलर वाला जो आपका प्लास्टिक पार्ट है वो मिल जाता है। सर्कुलर वाले आपको एसी वेंट्स मिलेंगे साइड पे, उसके भी अगल बगल में आपको एक यू नो एक फिनिश मिलता है ऑफ डार्क क्रोम। इसके अलावा जो की हाईलाइट है ऑन द स्लाविया डैशबोर्ड वो है ये 10 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये फ्लोटिंग टाइप इंफोटेनमेंट सिस्टम है, काफ़ी यू नो इट कम्स लोडेड विद ऑल द कनेक्टिविटी फीचर्स, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह वगैरह, ब्लूटूथ एंड एफएम रेडियो, एवरीथिंग यू हैव एवरीथिंग लोडेड। ये काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये ऑन द डैशबोर्ड, इट लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड यू नो क्लासिकली डन। क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो आपको एक यू नो सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यू गेट एन वेरी नाइस लुकिंग डिजिटल सिस्टम, ये आपने देखा था ऑन द कुशाक एंड द टाइगुन। इसके अलावा अगर स्पेस की बात करें तो काफ़ी सारा स्पेस है फॉर योर बॉटल होल्डर्स, फॉर योर मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइसली डन, काफ़ी टेस्टफुली लग रहा है ये इसका कैबिन एरिया, जो इसका सेंट्रल कंसोल है, ये मेरा 7+ है, ये यहाँ पे फिट हो जाता है आराम से, दिस इज़ फिटिंग इन हियर। अगर शिफ्टर की बात करें तो ये ऑटोमेटिक वर्जन है, यहाँ पे आपको एक टिपिकल स्कोडा वाला आपको एक शिफ्टर मिल जाता है, लेदर के इंसर्ट्स हैं, यू गेट नाइस क्रोम इंसर्ट्स ओवर हियर। आपके जो बटन्स हैं, जो आपके डोर अनलॉक के हैं, जो आपका सीट वेंटिलेशन है, इसमें स्लाविया में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं, फ्रंट सीट्स आर वेंटिलेटेड, उसका जो कंट्रोल बटन है वो कंसोल में है, दैट इज़ ओवर हियर, ये आपका कूलिंग का जो सीट कूलिंग है उसके बटन हैं, यू कैन हियर द फैन स्टार्ट, ये 2 fan speed में आते हैं। यू गेट लोड्स ऑफ स्पेस जैसे आपको बताया, लेट्स चेक आउट द स्टेयरिंग। स्टेयरिंग की बात करें तो ये अगेन लेदर रैपिंग वाला एक स्टेयरिंग है, ट्विन स्पोक वाला, यहाँ पे यू नो देर इज़ नो स्पोक ओवर हियर, फ्लैट बॉटम नहीं है, बट फील्स वेरी नाइस, क्रोम है, ग्लॉसी ब्लैक है, MFD बटन्स है, यू गेट दिस नाइस क्रोम एलिमेंट ओवर हियर। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यू गेट 8 inch वाला ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये ऑल डिजिटल है, देर इज़ नो एनालॉग मीटर ऑन द क्लस्टर, ये एक फुल कलर डिस्प्ले है, दिस लुक्स वेरी नाइस, इट गिव्स यू ऑल द डिटेल्स, ये आपको सब इंफोटेनमेंट बता रहा है, आपको टेम्परेचर बता रहा है, MFD बता रहा है, एवरीथिंग इज़ वेरी नीटली लेड आउट। अगेन ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर द नीट टच गिवन इज द स्कोडा का जो इनले है, जो उसका बैजिंग है वो यहाँ पे है ऑन बोथ द साइड्स, ये आपको याद दिलाता कि आप स्कोडा की कार चला रहे हो, ऑन बोथ द साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो हाउसिंग है वहाँ आपको मिल जाता है। स्टेयरिंग में आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है, यू गेट एडजस्ट फॉर रीच, कम्फर्ट में तो ये गाड़ी यू नो इट इज़ वे अप देयर, स्कोडा इज ऑलवेज नोन फॉर देयर कम्फर्ट फीचर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ड्राइवर सीटिंग का पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा है, आपको ड्राइवर सीट का हाइट एडजस्ट मिल जाता है। अगर अपोस्ट्री की बात करें तो यू गेट अ ड्यूअल टोन फॉर लेदर अपोस्ट्री, आपको वेंटिलेटेड सीट्स तो मिलते ही हैं, यू गेट अ डार्क कलर एंड यू नो लाइट शेड का एक मिक्स एंड मैच मिल जाता है, जस्ट लाइक द डोर पैड्स, lot of crystal design ke elements just like the exteriors on the interiors also, electric sunroof hai, this lets you know good light come in, you have an automatic rear view mirror, aapko LED ke lamps mil jate hain yahan pe, you get no vanity mirror here but you get a vanity mirror over here, isme light nahi hai but everything feels very classy, typical skoda fashion. mobile charging ke liye aapko 2 USB-C port aage mil jate hain and 2 USB-C port piche mil jate hain, skoda tells us ki USB-C is the future फास्ट चार्जिंग के लिए, सो आपको USB-C port मिलेगा ऑन द स्लाविया।
तो भाई ये है लेटेस्ट किड ऑन द ब्लॉक, द लेटेस्ट मिड साइज सेडान द स्कोडा स्लाविया। आपको ये गाड़ी कैसी लगी? हमें तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी है। इसका जो स्टाइलिंग है, जो टिपिकल जो इसका स्टैंड है, तो ओवरऑल अपीयरेंस है वो काफ़ी अच्छा है, टिपिकल यूरोपियन है। फीचर से लोडेड है ये गाड़ी, दो इंजन ऑप्शन है इसमें। हम ये गाड़ी चलाएंगे फॉर अ कंप्लीट रोड टेस्ट रिव्यू वेरी सून।